बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मारिया और आज हम अपना आईडी कार्ड लेने के लिए आए थे। हमने पिछले दिनों बनवाने के लिए दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमें दोनों को इकट्ठा मिल गया। इसके बाद जी अब हम अंदर एंटर हो जाते हैं और एंटर होने के बाद जो हमें टोकन मिलता है वो यहाँ से मिलता है। यहाँ जी सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। इसके बाद जी यहाँ से हमें ट्रेन जो है वो नज़र आएगी जाती हुई, यहाँ पे स्टॉप करेगी। रास्ता तो सीढ़ियों का भी है और दूसरा अगर जाना हो तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो ऊपर। अच्छा, पहले दिन हम गए थे ना, यानी लॉकडाउन के बाद, तब इतना रश नहीं था। अच्छा, ये जो हैंडल बने हुए हैं ये हम जब बहुत ज़्यादा रश वगैरह होता है या जो लोग खड़े होते हैं ना वो इसको पकड़ के खड़े होते हैं ताकि वो गिर ना सकें। और ये बाहर का व्यू है, यानी ऑरेंज ट्रेन का जो बाहर का व्यू नज़र आता है ये सारा मैं वो आपको दिखा रही हूँ। इस दफ़ा तो शायद कोरोना की वजह से ज़्यादा रश नहीं था, तो मेरा ख़्याल है जब हम पहली दफ़ा गए थे मैं और अम्मी तो हम अंदर चले तो गए थे, लेकिन जब हमने बाहर की तरफ निकलना था और इतना ज़्यादा रश था उस टाइम पे कि हम बाहर निकलना चाह रहे थे, हमारे यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा खड़े थे और दरवाज़ा जो है वो बंद हो गया था, फिर हम अंदर ही रह गए थे। और उसके बाद हम अपने जो है वो अगले स्टेशन पर उतरे जाके। खैर, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। इस ट्रेन का ये है कि आपको जो है बहुत जल्दी पहुंचा देती है, स्टेशन बहुत जल्दी आ जाते हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ता ज़्यादा। आपको ऑरेंज कलर का टोकन मिलता है जिसको आपने पूरे टाइम तक संभाल के रखना होता है।
इसके बाद ये जो हाथ में टोकन मैंने पकड़ा हुआ था ये मैं इसमें डाल के तो फिर आगे निकल जाऊँगी। ये मेरा ख्याल अभी नहीं जो है यहाँ पे बन गई है सारी की सारी, सारा पोर्शन जो है वो बहुत ही गंदा हुआ था इधर। स्टार्टिंग में जब हम इसको चढ़ते थे ना तो हमें बहुत ज़्यादा खौफ आता था, ऐसा लगता था पता नहीं पाँव रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन खैर अब तो आदत हो गई है, अब टेंशन नहीं होती। इसके बाद जी हम पहुंच गए हैं अपने घर, और घर पहुंचने के बाद बना लेते हैं भिंडियाँ। एक तरफ जो है वो भिंडियों की कटिंग हो रही है और दूसरी तरफ कूलर भी लगाया हुआ था हमने। इसके बाद जी व्लॉग एंड करते हैं, और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।